देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत। भोपाल, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस एसोसिएशन की ओर से 19 फरवरी से आईपीएस सर्विस मीट 2020 का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय सर्विस मीट का शुभारंभ बुधवार सुबह मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, जिसके तहत दिन भर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा देर शाम पुलिस मुख्यालय के पास ऑफिसर्स मेस में भी आईपीएस अधिकारियों के परिवार में भव्य मंच पर कई तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में आईपीएस अधिकारियों के साथ प्रदेश के सीएम कमलनाथ भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। देर शाम हुए इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रदेश भर से आए सभी आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा परिवार के साथ भागीदारी की गई। सर्विस मीट के लिए चार अलग अलग जोन की टीमें बनाई गई, जिसमें लगभग 200 ऑफिसर शामिल हुए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सबसे पहले चंबल जोन के अधिकारियों ने नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुति पेश की। इसके बाद मालवा जोन के अधिकारियों द्वारा उज्जैन के महाकाल पर आधारित प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके बाद भोपाल जोन की टीम ने नाटक प्रस्तुत कर घर में हुई बेटी की शादी को हास्य नाटक के माध्यम से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में महाकौशल जोन की टीम ने बुंदेलखंड से जुड़ी सांस्कृतिक को लोक नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत कर सभी का दिल जीत लिया। इन कार्यक्रमों के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ भी काफी देर तक आईपीएस मीट में शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से मुलाकात भी की, साथ ही पुलिस बैंड की प्रस्तुति देखने के बाद जमकर तारीफ करते हुए पुलिस बैंड की टीम को पुरस्कार से भी नवाजा। समाज में जो भी विरोध रहते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, पुलिस उसमें सबसे आगे रहती है। पुलिस शासन का हमेशा एग्जीक्यूटिव आर्म है और एग्जीक्यूटिव फेस भी है, तो जब भी कुछ इस तरह की चैलेंज आएगी और डेमोक्रेसी में ये आना निश्चित है तो पुलिस फेस करती है और हम तैयार हैं उसमें निपटने के लिए। इसके अलावा क्राइम का जो बदलता हुआ चेहरा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्राइम में टेक्नोलॉजी जिस तरह की इस्तेमाल हो रही है, हमको उसमें भी एक कदम आगे रहना होगा। तो ये सारी बातें हैं जिसपे हम यहाँ इस मीट में ध्यान देंगे। और पिछले साल हम लोग नहीं मिल पाए थे, 2 साल बाद यहाँ मिल रहे हैं, तो मैं शुक्रगुजार हूँ सीएम साहब का, वो आए, उन्होंने यहाँ पे सबको प्रोत्साहित किया और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।